भूत प्रेत चुड़ैल जिनजन्नात की कहानी सुनाने में अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि एक डायन के बस में बहुत से भूत प्रेत रहते हैं। वो भूत प्रेत या फिर पिशाच से अपना मतलब निकालती है। किसी को जान से मारना होता है तो डायन भूत प्रेत का सहारा ले लेती है। डायन बहुत ही शातिर होती है, किसी को भी चुटकियों में मार सकती है। पर कौन जाने कि कौन डायन है और कौन आम इंसान, ये तो जानने वाला ही बता सकता है कि कौन डायन है और कौन इंसान। पर आज मैं एक डायन की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे मैंने अपने एक दोस्त से सुनी थी। कहानी सुनाने के बाद शायद आपको यकीन आ जाएगा कि डायन होती है और ये एक हकीकत है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, भूत प्रेत पर चर्चा हो रही थी। तभी उसने मुझको एक कहानी बताई जिसे मैं यहाँ आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत पहले की बात है, किसी गाँव में एक गरीब परिवार रहा करता था। घर में एक माँ, एक बेटा और एक पिता थे। बस तीन ही लोग थे इस घर में। अपना कोई काम धंधा नहीं था जिस वजह से उस घर का बेटा अपने घर से बहुत दूर किसी शहर में कमाने के लिए गया हुआ था। अक्सर वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता था। उस घर का लड़का मजदूरी करने के लिए मुंबई गया हुआ था, कभी कभार ही घर आता था। एक दिन की बात है, उस लड़के की माँ घर के बाहर गेहूं पसर रही थी। गेहूं पसर कर उसे आटा चक्की में देती ताकि गेहूं से आटा बन सके। गर्मी का मौसम था, धूप भी बहुत तेज थी। घर से बाहर खटिया निकालकर उसके ऊपर गेहूं सुखा रही थी। तभी उस औरत के घर के बाहर एक औरत आई और बोली कि तुम्हारे घर में कुछ है तो मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। वो औरत बोली कि थोड़ा रुको, पहले गेहूं पसार लेती हूँ, उसके बाद दूंगी। भीख मांगने वाली औरत वहीं पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद खड़ी रही, उसके बाद फिर बोली, तुम्हारे पास कुछ अनाज है तो उसे ही दे दो, मैं दूसरे घर जाकर खाना मांग लूंगी। तो वो औरत फिर बोली कि थोड़ा देर रुको, मैं घर से लेकर आती हूँ। उस भिखारन को फिर थोड़ी देर हो गई, अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। भिखारन चिल्लाकर बोली, अगर नहीं देना है तो साफ साफ बोल दो, मुझे यहाँ क्यों खड़ा कर रखी हो, सिर्फ तुम्हारे घर में ही थोड़ी ना मांगना है, मुझे और घर भी जाना है, देना है तो दो, मेरा समय बर्बाद मत करो। उस भिखारन की ताव देखकर औरत को गुस्सा आ गया। वो औरत बोली, काम भिखारन के और ठाट महारानी के, जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ, किसी दूसरे के घर जाकर मांग लो। वो भिखारन भी गुस्से में आ गई और भला बुरा कहने लगी। औरत बार बार कहती कि तुम्हें मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ कर दिखाओ। थोड़ी देर के बाद उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। गांव की कुछ औरतें भी वहां जमा हो गई। सभी ने उन दोनों को समझाया और झगड़ा छुड़ाया और भिखारन को बोला कि यहां से चले जाओ। भिखारन वहां से चल दी, पर जाते जाते उससे बोली कि तुम बोल रही हो तुम्हें मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ कर दिखाओ, मैं बिगाड़ कर दिखाऊंगी, तुम्हारा एक बेटा बाहर रहता है ना, देखना मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर वो भिखारन वहां से चली गई। गांव की अन्य महिलाएं मिलकर किसी तरह झगड़े को शांत कर दी। सभी अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन भी बीत गए। एक दिन सुबह सुबह वो औरत घर से बाहर निकली, उसे घर आंगन की झाड़ू वाड़ू करना थी। वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकली कि अपने घर के आंगन में देखती है कि एक धड़कता दिल आंगन में पड़ा हुआ है। जैसे ही उसकी नजर धड़कते दिल पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई। एक खून से लथपथ एक धड़कता दिल आंगन में गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी सीने से किसी ने दिल निकाला हो। उस औरत की चीख सुनकर उसका पति और आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए। गांव के लोग यही चर्चा करने लगे कि यह धड़कता दिल किस आदमी का है, किसी ने किसी को जान से मारा है और मारकर उसका दिल अभी अभी निकाल कर यहाँ फेंका है। पर इतनी जल्दी कौन किसे मार सकता है और इतनी जल्दी कैसे दिल धड़कता हुआ यहाँ पर फेंक कर गायब हो सकता है। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि धड़कता दिल आखिर किसका है। गाँव में कोई घटना भी नहीं घटी थी, किसी के कोई मरने जाने की कोई खबर भी नहीं थी, तो धड़कता दिल कहाँ से आया। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जमीन पर खून बिखरा हुआ था, उस खून के बीच में जिंदा दिल पड़ा हुआ था। कुछ देर के बाद धड़कता दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो गई, यानी कि वो दिल अभी अभी निकला हुआ था, ये बात इससे साबित होती है क्योंकि दिल की धड़कन चालू थी। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। बहुत देर तक लोग उस जगह पर खड़े रहे और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बीत गए, अब लोगों के दिमाग से ये बात भी उतरने लगी थी। एक दिन उस औरत के घर में डाकिया आया और एक चिट्ठी दे गया। जब औरत चिट्ठी पढ़ी तो जोर जोर से रोने लगी। घर में मातम छा गया क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि उसका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। पूरे घर बार में मातम मच गया क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि उसका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया है। पूरे घर में अब मातम मच गया था। अब वो औरत सोच नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया। गांव के लोगों ने भी उस चिट्ठी को पढ़ा जिसमें एक्सीडेंट होने का कारण उसके बेटे के मरने की बात लिखी हुई थी, पर उसमें जो तारीख लिखी हुई थी वो तारीख वही थी जिस दिन उस औरत के घर के आंगन में एक धड़कता दिल मिला था। लोगों ने कहा कि वो धड़कता दिल किसी और का नहीं बल्कि उसके बेटे का ही था। ये काम उस भिखारन का था जो कि भीख मांगने के लिए उस औरत के पास आई थी, पर दोनों में झगड़ा हो गया था जिस वजह से वो भिखारन
कुछ भी नहीं बोली और एंड में उसे बद्दुआ देके गई थी। और उसने कहा था कि तुम मुझसे कह रही हो ना कि तुम्हारा जो बिगाड़ना है मैं बिगाड़ सकूं, तो अब देखो मैं क्या करती हूं। और उसने ही इसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वो कोई भिगारन नहीं बल्कि एक डायन थी जिसने उसके बेटे को मार दिया था। बेटे को मारकर उसका धड़कता दिल घर के आंगन तक पहुंचा दिया था। डायन में बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो किसी को कहीं भी मार सकती है, चाहे मरने वाला इंसान उसकी नजर के पास रहे या दूर। तभी तो डायन अपने विद्या के उपयोग से उस लड़के को मुंबई में मारी और उसका धड़कता दिल उसके घर तक पहुंचा दी। अब वो औरत अपने नसीब को कोस रही थी और अपने आप को भी कोस रही थी कि काश मैं उस दिन उस भिखारन से ना लड़ती और ना ही उसे बुरा भला कहती और ना ही उसे चैलेंज करती। मेरे को भी उसको कुछ दे देना चाहिए था जिससे आज मेरा बेटा जिंदा होता। वो तो बेचारी मांगने ही आई थी, लेकिन मैंने उसे बुरा भला कहा और उससे झगड़ा किया। शायद उसी की सजा मुझे इस रूप में भुगतना पड़ रही है। लेकिन उस डायन का इंतकाम यहीं पर मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी वो डायन इसको और बर्बाद करना चाहती थी। इस औरत को उसने अपने हत्थे चढ़ा लिया था और अब इसको पूरी तरह बर्बाद करके ही वो छोड़ने वाली थी। उसके बाद उस औरत के यहाँ लगातार उसके रिश्तेदारों की मौत होना भी चालू हो गई। गांव में ही उसका एक भाई रहा करता था। उसका भी धड़कता हुआ दिल एक दिन आंगन में पड़ा हुआ मिला। जैसे ही आंगन में धड़कता दिल पड़ा हुआ मिला, सारे लोग इकट्ठा हो गए और सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सब लोग कहने लगे शायद ये अब इसके पति की बारी है, शायद इसके पति का दिल है। लेकिन उस औरत के पति को साथ देखकर वो लोग भी हैरानी में पड़ गए और कहने लगे कि यार इसका एक ही बेटा था और एक पति है, इसके अलावा ये भी जिंदा मौजूद है, तो आखिर फिर धड़कता दिल किसका है। उसके बाद बहुत जांच पड़ताल की गई, लेकिन किसी को कुछ मालूम ना पड़ा। दूसरे दिन उस औरत के भाई की वाइफ यानी कि उसकी भाभी उसके घर रोती हुई आई और उसने बताया कि उसके भाई की कल डेथ हो गई है और वो दिन भर बेहोश पड़ी रही क्योंकि एक डायन ने आकर उसके भाई की जान ली थी, जिस वजह से कोई भी इसका सुराग नहीं दे पाया और ना ही मैं उसे ज़्यादा देर तक देख पाई और मैं बेहोश हो गई, जिसकी वजह से मुझे कल पूरे दिन होश ना रहा। आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है और वो भी किसी डायन ने उसे मारा है। अब तो उस औरत के ऊपर गमों का पहाड़ टूट चुका था क्योंकि पहले उसने अपने बेटे को खोया, फिर उसने अपने इकलौते भाई को भी खो दिया और अब बची थी सिर्फ वो और उसका पति। अब उसे डर लगा रहता था कि कहीं वो मेरे पति की भी जान ना ले ले और वो इसी डर में अपने आप को पागल कर चुकी थी। वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी जिससे उसकी मेंटली सिचुएशन खराब हो चुकी थी, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था और वो अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो तरह तरह की अजीबोगरीब हरकतें करती और कहती वो डायन वहाँ खड़ी है, डायन वहाँ खड़ी है। उसको अपने बेटे और अपने भाई की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी तरह से पागल हो गई। अब उसके पति के दिल पर क्या गुजर रही थी वो खुद ही जानता था। एक तो उसका बेटा मर गया, ऊपर से उसकी बीवी भी पागल हो गई और बीवी इस कदर की पागल हो गई कि वो हर जगह उस चुड़ैल को देखती थी, उस डायन को देखती थी। उसके पति ने उसे जगह जगह दिखाया, पागलखाने दिखाया, बाबाओं के पास भी लेके गया, लेकिन उससे कुछ भी फायदा ना हुआ क्योंकि उसके दिमागी संतुलन बहुत ज़रा बिगड़ चुका था। और फिर एक दिन जब वो काम पे गया था और उसकी बीवी को अकेला घर में छोड़कर गया था, तो उसकी बीवी को न जाने क्या सोच पड़ी, क्या समझ पड़ी, या डायन ने ये किया कि उसने अपने आप को घासलेट छिड़क कर खुद के ही बदन में आग लगा ली और चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों के सामने अपना दम आखिर कर लिया और उसके बाद वो भी दुनिया से चले गई और डायन का इंतकाम इसके बाद पूरा हो गया।